हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे टीचर वैकेंसी रिलेटेड, जो कि टीजीटी की है, जो कि यूपी में निकाली गई। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में टीचर की जो वैकेंसी है उसे निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है ऑलमोस्ट 12,903 वैकेंसीज हैं, जो कि टीजीटी की हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है 29 अक्टूबर रखी गई है। वहीं अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पेमेंट की स्टार्ट डेट है वो 29 अक्टूबर, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 27 नवंबर, और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 27 नवंबर, और साथ ही साथ आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसे सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर को नवंबर 2020 को रखी गई है। ठीक है, सो देखिए इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 12,913 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं मोस्टली सबके लिए निकाली गई है। अब इसमें बात करने वाली चीज देख बात ये है कि यहाँ पे बालक और बालिका संस्था हेतु जो है डिफरेंट डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, अगर आप जो है लड़के हैं तो आप सिर्फ बालक में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आप जो है बालक और बालिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा चीज है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब भाई बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.upseessb.org पे जाकर जो है एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करना कहते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है। सबसे पहला कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, दूसरा फी पेमेंट है, और थर्ड जो है वो फॉर्म सबमिशन है। तो ये 3 स्टेप्स आपको कम्प्लीट करने पड़ेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिये यहाँ पे जो है अगर आप बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 700 एप्लीकेशन फी प्लस जो इंटरनेट चार्जेस हैं वो सब 50 रुपीज, और टोटल यहाँ पे 750 रुपीज जो है आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप EWS से हैं तो आपको 450 रुपीज, अगर आप OBC के हैं तो 750, अनुसूचित जाति के 450, अनुसूचित जनजाति के तो 250। तो यहाँ पे देखिए सबका जो है फी पेमेंट यहाँ पे जो है वो मेंशन किया जा रखा है। तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो फॉर्म है एप्लीकेशन फी है फिलअप पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप अपना जो फोटो सिग्नेचर जो है वो आप प्रिपेयर रखें, और यहाँ पे जो है डायमेंशन ऑलरेडी मेंशन की जा रखी है, तो आप ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है अपना फोटो जो है और सिग्नेचर जो है वो प्रिपेयर रखिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब जो यहाँ पे फोटो और जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो इट शुड बी बिटवीन 5 KB to 30 KB, तो इसके बीच ही आप अपना फोटो और जो सिग्नेचर है वो क्रॉप करके रख लीजिए, हम बोल सकते हैं उसे आप जो है एडजस्ट करके रख लीजिए, जो कि आपका फोटो और जो सिग्नेचर का जो साइज है इट शुड बी बिटवीन 5 to 30 KB। ठीक है, अब हम बात कर लें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए तो यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 ईयर्स जो है एज लिमिट होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ मेंशन नहीं की जाती है। तो अगर आप 35-40 ईयर्स के भी हैं तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे जो 7 पे लेवल का ग्रेड मिलेगा और ग्रेड पे आपका लगेगा 4600। यहाँ पे इन्होंने जो है वो जो सैलरी वो मेंशन की रखी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो मैं आपको नीचे बताऊंगा। अब बात करें अगर एग्जाम सेंटर की, तो यहाँ पे जो है यूपी में ही जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सिटी है वहाँ पे जो है आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर दें, तो वो जो एग्जामिनेशन सेंटर वो आपको एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा, लेकिन आपको जितने भी एग्जाम देने हैं वो आपको यूपी में ही देने हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करेंगे इसका एंट्रेंस का, तो एंट्रेंस होगा आपका टोटली रिटन एग्जाम यहाँ पे होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 125 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और हर जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, तो यहाँ पे टोटल 500 मार्क्स का पेपर होगा और जिसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम आवर की, तो यहाँ पे आपको 2 आवर का जो है टाइम दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन MCQ टाइप ही होंगे। ठीक है, अब आपका जो है मार्क्स रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के लिए, आपको जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम के मार्क्स की बेस पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो
तो देखिए इसमें ये सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो इस टाइप के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, और फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म का जो है स्वरूप दिया रखा है, तो आप इसकी बेस पे जो है अपना एप्लीकेशन लाइक कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं की वैकेंसीज की। तो देखिए यहाँ जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, तो जितने भी सब्जेक्ट है 15 सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल विज्ञान की, तो यहाँ पे 984 वैकेंसी है जनरल के लिए, 486 ओबीसी के लिए, 259 एससी के लिए, और 12 जो वैकेंसी वो एसटी के लिए। तो टोटल यहाँ पे 1741 जो वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई है। अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल यहाँ पे 6410 फॉर जनरल, 3174 फॉर ओबीसी, 1815 फॉर एससी, 52 एसटी। तो यहाँ टोटल यहाँ पे 11451 वैकेंसी जो है वो निकाली गई है ओनली फॉर लाइक इन शिक्षक, यानी कि बालक वर्ग के लिए। वहीं हम बात करें बालिका वर्ग के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ जो है लेडीज ही या गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकती है, यहाँ पे जो है लड़की अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी वैकेंसी भी ऑलमोस्ट 14,462 है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो दे रखी है। तो देखिए जैसे कि हमने पीजीटी में बात की, तो वहाँ पे आपको बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी की, तो आपका यहाँ पे बीए होना चाहिए हिंदी एवं संस्कृत के साथ, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या समकक्ष डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन आपका जो यहाँ पे है एलिजिबिलिटी अनिवार्यता है वो दे रखी है बीएड। आपको यहाँ पे बीएड होना कंपलसरी, अगर आपका बीएड नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो जॉब मिलेगी वो आपको 9th to 10th के लिए आपको टीचर की लाइक जॉब दी जाएगी 9th और 10th क्लास पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके सब्जेक्ट के साथ साथ सेम आपका ग्रेजुएशन डिग्री सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही जो बी एड है ये मस्ट है, कंपलसरी है। तो अगर आपका बी एड है तो आपको यहाँ पे जो है कंपलसरी है बी एड होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें आपका जो एम एड पी एच डी है, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दिया है या प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के लिए जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे मैंशन की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कला सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे बी एड इन्होंने नहीं मांगा है। ठीक है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है बीएड नहीं मांगा है। वहीं अगर बात करें विज्ञान की, तो देखिए विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बीएड जो है वहाँ मेंशन कर रखा कि जो आपका जो लाइक बीएड जो है कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने पीजीटी में देखा था, वहाँ पे क्या था बीएड कंपलसरी नहीं था, वहाँ पे आपका जो है पीजी डिग्री होना चाहिए लाइक विज्ञान में, जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में या बॉटनी जूलॉजी में, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है बीएड जो है वो कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड अगर आपके पास है और आपके पास कोई भी यूजी डिग्री है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।